वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर है, रेगुलर व्यूअर्स है, जो प्रेग्नेंट मम्मीज है, जो मेरा प्रेगनेंसी का वीक बाय वीक सीरीज देख रहे हैं रेगुलरली, प्रेगनेंसी का मंथ बाय मंथ सीरीज देख रहे हैं, उनके लिए फिफ्थ वीक का नया वीडियो लेके आई हूँ कि आपका प्रेगनेंसी का फिफ्थ वीक कैसे रहेगा, उसमें आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, आपके बेबी में क्या चेंजेस रहेंगे, आपका बेबी कौन से स्टेज तक रहेगा, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। फिफ्थ वीक यानी आप ऑफिशियली डिक्लेयर करे रहते कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका यूरिन टेस्ट या फिर आपका बीटा एसजी पॉजिटिव आता है, आप आपके हस्बैंड को सरप्राइज देते हैं, आप काफी खुश रहते हैं, आपके हस्बैंड भी खुश रहते हैं, तो इसमें आपके बेबी में क्या चेंजेस रहते हैं। आपका बेबी अभी एक ऑलमोस्ट एक 2-3 मिलीमीटर साइज का रहता है, यानी अपना पेंसिल का जो टिप रहता है उसके साइज का रहता है वो। जब भी आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करते हैं, आइदर ट्रांसवजाइनल या ऊपर से, जिसको ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें छोटा सा जेस्टेशनल सैक बोलते हैं हम लोग, बच्चे का घर बोलते हैं, वो दिखेगा। उसमें बेबी तो नहीं दिखेगा तुरंत सोनोग्राफी में, ज्यादा से ज्यादा योग सैक दिख सकती है जिसको बच्चा चिपका हुआ रहता है। ऐसे बच्चे का डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, आप में क्या चेंजेस रहेंगे, आप में थोड़े थोड़े चेंजेस अभी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ कुछ पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं रहती, क्योंकि हर किसी का प्रेगनेंसी अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ये सिम्टम्स स्टार्ट होने हैं, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स को ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, लाइक ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहता है, गैसेस रहते हैं, ब्लोटिंग रहता है, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं रहती है, वीकनेस रहेगा, हेडेक रहेगा, कॉन्स्टेंट सोने की इच्छा रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पीरियड मिस हुए रहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स रहेंगे आपको प्रेगनेंसी में। अर्ली प्रेगनेंसी में माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते रहते हैं, यानी कि आपको ऐसा फीलिंग आएगा, पेट में दर्द रहेगा हल्का सा, बैक पेन रहेगा काफी, कि आपको पीरियड आएंगे लेकिन आपके मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे, तो ये रहेंगे फिफ्थ वीक में आपके सिम्टम्स। अभी आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है ये, इसमें जस्ट आपके बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट हुआ रहता है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट फॉलिक एसिड की दवाई स्टार्ट करनी है, तुरंत जाके आपके डॉक्टर से मिलना है, उनसे कंफर्म करना है आपका प्रेगनेंसी प्रॉपर लोकेशन पे है या नहीं, ट्यूब में तो फंसा हुआ नहीं है ना, आप कोई और दवाई ले रहे तो वो आपको स्टॉप करनी है आपके डॉक्टर से बात करके, आपका थायराइड चेक करके लेना है, आपका शुगर चेक करके लेना है, आपका हीमोग्लोबिन चेक करके लेना है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करके लेना है, तो ये सब चीजें चेक करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अपना जो फिफ्थ वीक का वीडियो है कि प्रेगनेंसी के फिफ्थ वीक में आप में क्या चेंजेस आएंगे, आपके बेबी में क्या चेंजेस आएंगे, वो अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।